हाँ जी सर, देखो अब एक नया सा टॉपिक बढ़िया वाला शुरू करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। असल में आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे टोटल एज ए होल, नाइन्थ कह लीजिए, टेंथ कह लीजिए, उससे ऊपर नीचे कह लीजिए। अच्छा सर, जजाकल्ला। हनी भाई नहीं है क्या हमारे? तो हम एज ए होल ज्योमेट्री पूरी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ज्योमेट्री में, अब तक जो आपने किया है वहाँ आपने प्रूफ किया है। आपसे क्या कहता है, प्रूफ द थ्योरम, प्रूफ द क्वेश्चन। ज्योमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की, एंट्रेंस बेस की, तो एंट्रेंस में प्रूफ आ नहीं सकते। तो जो प्रूफ नहीं आ सकते, तो उन प्रूफ का, उन थ्योरम्स का, उन क्वेश्चंस का यूज़ आ सकता है, तो वो पूरा आपको पता होना चाहिए, तभी आप करोगे। चलो सर, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट किया था लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, ठीक है, लाइंस एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास जो सीधी सी बात हम करें, एंगल्स से हम स्टार्ट करें, तो एंगल्स आपने डिवाइड कर रखे होंगे, है जी? क्या क्या में डिवाइड कर रखे हैं आपने? एक्यूट, अगर एंगल में थीटा ले लूँ तो थीटा एक आपका होता है लेस देन 90, है ना? 90 से ही नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं, 90 का मतलब राइट एंगल, तो वो एंगल जो 90 से छोटा होता है उसे आपने कहा होगा एक्यूट, ठीक है, इक्वल्स टू 90 आपने कहा होगा राइट एंगल। अगर थीटा आपका मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है तो आपने कहा होगा ऑब्ट्यूस। अगर थीटा आपका 180 है तो आपने कहा होगा स्ट्रेट एंगल। कहा होगा जी? अगर आपका थीटा 180 से बड़ा है, मोर देन 180, लेस देन 360, तो आपने कहा होगा रिफ्लेक्स एंगल। और अगर आपका थीटा 360 है तो आपने क्या होगा कहा होगा कि ये हमारा कंप्लीट एंगल। आप सबको पता है, छोटी सी बेसिक है, लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे पास स्टार्ट होता है, अगर आपने पढ़ा हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल इज वन इज 90, तो आप क्या कहते थे, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आपने एक टर्म यूज किया होगा सप्लीमेंट्री, तो अगर सम ऑफ टू एंगल इज 180, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीधा सीधा सा क्वेश्चन आया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन ही देख लो, सिंपल लैंग्वेज है। आपसे क्या कह रहा है, देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2017 का क्वेश्चन है, 2017-18 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इसीलिए बता भी रहा हूँ आपको कि देखिए जस्ट इन्फॉर्मेशन, अभी तक आपने ज्योमेट्री की कुछ ज़्यादा चीज़ पढ़ी नहीं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हम इस तरह से छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं कि आज में से कहाँ क्वेश्चन बनेगा, उसी पे। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू थ्राइस द मेजर ऑफ अदर, फाइंड लार्जर एंगल, ठीक है सर? आपसे ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर 72, ऑप्शंस आर 54, ऑप्शंस आर 63, ऑप्शन आर 36, दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन क्लियर है? मैं इसको तीन तरह से करने की कोशिश करूंगा, इसको कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये तो आपको पता ही है। एंगल्स कौन से होते हैं,
सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और मैं सिर्फ इसको तीन तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। पहला क्या हो सकता है, आपने कहा देर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अगर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक एक्स है और एक, तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम क्या है, पहला हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है ट्वाइस ऑफ वन एंगल, जैसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम मींस वर्ड बाय वर्ड, ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू थ्राइस द मेजर ऑफ अदर, क्यों सर, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री वन। अब दूसरी इक्वेशन ये है, इसको वहां रखना है, चॉइस आपकी, आप कैसे रखते हो। एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, थ्री बाई टू वाई, एक्स इजिक्वल्स टू यहाँ रख दो, थ्री बाई टू वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू एल सी एम, थ्री टू जा टू वन जा टू थ्री फाइव वाई, ये यहाँ चला जाएगा, फाइव वाई इज इक्वल्स टू वन एट्टी, फाइव से डिवाइड कर दो, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव सिक्स जा, तो वाई इज इक्वल्स टू, अगर y आपका 36 आएगा तो x इधर माइनस चला जाएगा, 90 माइनस 36 तो x आ जाएगा 54। आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, 3y को इधर लाते, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, यहाँ 2x है 3y है, यहाँ x है यहाँ y है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ये टू कैंसिल हो गया, माइनस 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 थ्री माइनस टू माइनस फाइव वाई माइनस वन एट्टी, अगेन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपने क्वेश्चन को टू वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट ले सकते हो, अगर आपसे कह रहा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो अगर एक को आप थीटा ले रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया। हाँ भाई, अगर दो लोगों के पास 90 रुपए हैं, एक के पास 10 हैं तो दूसरे के पास सी, द सम ऑफ टू इज 90, इफ वन हैज 10 या वन हैज 20 तो अदर हैज 70, जस्ट माइनस कर दो, अगर दो का पता चल गया और एक का हम बता दें दूसरा निकल जाएगा, तो सीधा है थीटा 90 माइनस थीटा, तो पहला ये लाइन खत्म हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, सच दैट ट्वाइस द, तो इसका ट्वाइस इसके थ्राइस के इक्वल है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, नहीं आ गया, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 270 माइनस 3 थीटा, 3 इधर आ जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दो भाई, तो 5 5 जा 25, 2 बचा 5 4 जा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, अगर एक 54 है तो दूसरा 36 है, तो बड़ा वाला कौन है, ये आंसर सही है जी। तो दो मेथड हो गए, तीसरा मेथड जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शन है 72, हमारे पास ऑप्शन है 54, हमारे पास ऑप्शन है 63, हमारे पास ऑप्शन है 36, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90, तो एक कंडीशन में हम सपोज करते हैं, दूसरे में हम चेक करते हैं, अगर हमारा एक एंगल 72 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल 18 होगा, 18 होगा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है, दोनों का सम कितना होना है 90. तो अगर मान लें कि हमारा आंसर सही है तो दूसरा वाला 18 होना है, तो ये हमने माना है कि ऐसा होना है इस कंडीशन से कि इनका सम 90 था। अब ये वाली जो कंडीशन है चेक करना पड़ेगा, क्या इसका डबल 72 का डबल 144 होता है, इसका डबल और इसका ट्रिपल 54 होता है, क्या ये इक्वल है। आपसे कह रहा था ट्वाइस द मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू थ्राइस द मेजर ऑफ अदर एंगल, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर। अब दूसरी बात है, अगर मैं इसको अपना आंसर मान लूँ कि एक 54 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 36 है, तो क्या इसका डबल 108 और क्या इसका ट्रिपल, थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो 108 इक्वल है, यही मेरा आंसर। आगे से समझ में, तो चॉइस आपकी है, आप कैसे, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने, सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी प्रैक्टिस पे कि आप किस मेथड को अपने आप में अंदर समाते हो, जिसे कहना है एब्जॉर्ब करते हो कि मैं इस मेथड से सबसे अच्छा। जितने भी प्लेयर्स होंगे आपने देखा होगा वो किसी एक बॉल को बहुत बढ़िया खेलते हैं, कि अगर ऐसी बॉल मिली तो छक्का ही लगना है, तो मेथड वो उनका अपना होता है कि भाई इस वाले पे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो अब आप कितना उस वाले स्टेप पे आप कितनी अपनी प्रैक्टिस करते हो वो मज़ा आएगा, सॉल्यूशन में है, चेकिंग में है, जिस तरह से भी आप नोट करिए।